फ्रेंड्स तो कैसे आप सभी लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मर से फुल वोल्टेज एंड फुल आरपीएम कैसे निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसको मैंने कंप्यूटर के इन्वर्टर आता है उसमें छोटा इन्वर्टर उसमें से निकाला है। इसके दो वायर तो इधर है और ये चार वायर इधर है और मैं तो सिर्फ दो वायर इधर आते हैं और दो वायर इधर आते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इन चार वायरों में से कौन सा वायर आपको एसी के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे ब्लैक एंड येलो आपको लेना है एसी देने के लिए और ये ग्रीन एंड ब्लू को आप एक तरफ कर सकते हो, इसको गांठ लगा सकते हो। इस तरह मैं बता रहा हूँ, या क्या आप गांठ लगाएंगे तो ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उसको इसको उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको काट देता हूँ कटर से, मजबूत है इसलिए ये बहुत मजबूत है। तो इनको काट देता हूँ फटाफट से कटर से, मैं कट जा ये काट दिया इनको। अभी हमारे कुछ काम के नहीं थे तो मैं इनको काट दिया हूँ। आप यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही हम इनको बोर्ड में लगाएंगे ना तो इधर से हमारा एसी करंट आएगा ना कि डीसी, तो आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है। यहाँ पे इसको ज़्यादा टच नहीं करना है। अगर आप ज़मीन पर खड़े हो तो आपको झटका भी लग सकता है, ऐसे तो नहीं लगता, 90 वोल्ट से ऊपर वाला ही झटका लगता है। इधर झटका नहीं लगेगा लेकिन आपको फिर भी सावधानी से करना है काम, नीचे कुछ तो बिछा। एंड बाद में मैंने इनको छील लिया है, अभी इनके अंदर एसी करंट देने के लिए मैं यहाँ पे वायर का यूज़ करूँगा। तो आपको दिखा देता हूँ वायर में, तो ये वायर है यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक कलर का है, कलर तो कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वायर अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए। तो ये अपने हिसाब से लंबा छोटा मीडियम साइज़ का कुछ भी आप लंबाई ले सकते हो। अब इनको जोड़ने के लिए मैं इसके यहाँ पे आगे वाले मुँह के दोनों वायरों को छील लेता हूँ, और तो मैंने इन वायरों को छील लिया है और अभी इनको जॉइंट कर लेता हूँ मैं फटाफट से। तो यहाँ पे वीडियो को मैं जल्दी से पास करता हूँ, आपका टाइम भी बच सके। तो मैं यहाँ पे छील के यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है और अच्छे से टेपिंग भी कर ली है ताकि कोई भी खतरा नहीं रहे। तो अभी इसके दूसरे वाले मुंह पर भी मैं यहाँ पे प्लग का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा प्लग, अभी रायत हो रही है तो मेरे पास ये अवेलेबल था तो यहाँ पे ये लगा रहा हूँ। आपके पास भी जो अवेलेबल हो अच्छा वाला प्लग तो वो लगा देना। तो अभी मैं इनको लगा देता हूँ, तो वीडियो को फास्ट करना पड़ेगा आपका टाइम बच के। अच्छा सा गाना लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्लग को लगा दिया है मैंने, अब इस प्लग को मैं यहाँ पे बोर्ड में लगाने वाला हूँ उसकी टेस्टिंग के लिए। तो बोर्ड में मैंने यहाँ पे बोर्ड में लगा भी दिया है, अब कैमरा नहीं दिखा सका उधर, यहाँ पे स्टेबल है इसलिए। अब इसको देखते हो, अभी इसको टच करने वाला हूँ ऑफिस में। ओ भाई सब बहुत इस पार को आया यहाँ पे, ओ देखो देख सकते हो अभी यहाँ पे आपको कैमरे में, यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज स्पार्क की आवाज़ आती है। तो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इसको टच कर पा रहा हूँ फिर भी मेरे को झटका क्यों नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ पे एसी करंट आ रहा है फिर भी। तो मैं यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट डायरेक्ट ज़मीन से नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे अर्थिंग नहीं बन रही और मेरे को करंट भी नहीं लग रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना होगा, यहाँ पे अपने नीचे कुछ बिछा के या कुछ किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होकर आपको ये करना है, आपको झटका नहीं लगेगा उसके अलावा। तो इसका करंट था, अब इसको दुगना करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। तो इधर इस पन्नी को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, काट देता हूँ यहाँ से जल्दी से। तो वीडियो फास्ट, यहाँ पे इसे नहीं कट रही है तो मैं यहाँ पे बड़े कटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको फटाफट से जल्दी से कट गया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो वायर एक में जुड़े हुए दिखे होंगे। तो इसको काटने के लिए मैं प्लास से काट देता हूँ इनको वायरों को, ये हमारे काम के नहीं है अभी, तो इनको काट देते हैं, तो ये प्लास से आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ पे वायर को हटा दिया मैंने अभी, अब इनके ये दोनों वायरों को मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे ये दो वायरों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है, दो वायर थे चार वायर थे तो दो वायर को एक तरफ कनेक्ट कर दिया है और दो वायर को एक तरफ छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं हो पाई क्योंकि ये एलुमिनियम के, तो मैंने यहाँ पे वायर का नोट बना के यहाँ पे इनको जॉइंट कर दिया आपस में, ध्यान से देख सकते हो।
और यहाँ पे दो वायर को मैंने यहाँ पे एक तरफ रख दिया है। तो अभी यहाँ पे भी एसी करंट आ रहा है, तो इसको प्लग में लगा दिया था मैंने पहले से आपको। अभी अब इसकी टेस्टिंग के लिए कुछ लेके आता हूँ मैं भी, तो आपको आसानी से पता लग सके कि कितना पावरफुल है। तो यहाँ पे मैं एक वायर का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत मजबूत वायर है, देख सकते हो, मैं आपको मजबूती बता दे रहा हूँ उसकी। इसको मैं मोड़ रहा हूँ तो भी नहीं टूटेगा, देख सकते हो, ये देख। तो अभी इसको मैं यहाँ पे दोनों वायरों के टर्मिनल पर लगा देता हूँ मैं, और फिर आपको दिखा देता हूँ इसकी वोल्टेज और आरपीएम। तो क्लास से पकड़ लेता हूँ सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों जैसे टच करूँगा अभी ये टूट जाएगा, देखते तो वेल्ड होके पूरा पिघल के टूट जाता है, रेड हॉट हो गया था एकदम रेड हॉट। अभी इसके दूसरे बार एक और टेस्टिंग कर लेते हैं, तो एक बार और लगा देता हूँ, तो एक बार 100 टेस्टिंग। तो अभी भी इस बार तो और तेज से हुआ था, एक देख सकते हो, अब की बार तो पूरा हो गया, इसके अंदर से रेड हॉट हो गया था और ये वेल्ड होके पिघल जाता है, पिघल के नीचे टेस्टिंग भी हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और